हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत से लोगों ने कमेंट करके हमें कहा था कि सर बिल्कुल जीरो लेवल से हमको क्लास करवाइए। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको इंग्लिश में बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम थी और वो चाहते थे कि बिल्कुल हमको जीरो लेवल से क्लास करनी है। तो इसी क्रम में हम ये सीरीज लेकर आए हैं इंग्लिश लर्निंग की, ऐसे लोगों को जिनको बिल्कुल ही इंग्लिश में प्रॉब्लम है और जीरो लेवल से सीखना चाहते हैं। तो आज इस सीरीज की हमारी फर्स्ट क्लास है और यहाँ से आप अपनी स्टडी को स्टार्ट करते हैं। अगर इंग्लिश में बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो ये उन लोगों के लिए ये क्लास होगी, यहाँ से स्टार्ट करने के लिए जिनको इंग्लिश में बहुत ही प्रॉब्लम है, उनका लेवल बिल्कुल जीरो है। तो आज हमारा ये फर्स्ट क्लास रहेगा और ये फर्स्ट डे है। तो सबसे पहले हम आज की इस पहली क्लास में जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्लास वन, वो है यूज ऑफ कैन। और इस कैन में हम लोग देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस को। ठीक है, कैन ही क्यों, इसलिए कि जो कैन है ना, कैन एक मॉडल ऑक्सिलरी है और कैन के साथ में ये होता है कि ये सीखने के लिए आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि इस सेंटेंस में हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाना होता है। सब्जेक्ट कोई भी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं, तो थोड़ा सा सीखने में आसान होता है। सेंटेंस हमारा चाहे अफर्मेटिव हो और चाहे नेगेटिव हो और चाहे इंट्रोगेटिव हो, बहुत ही इजिली हम समझ सकते हैं। इसलिए ज्यादातर जो टीचर्स है वो यहीं से शुरू करते हैं, इंग्लिश को सीखना और सिखाना कैन से ही स्टार्ट करते हैं। तो सीखने के लिए ये बेस्ट टॉपिक हो सकता है। तो चलिए आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये आइडेंटिटी देखते हैं। आइडेंटिटी मीन्स क्या होता है? पहचान। हमको कैन का यूज कहाँ करना है? अगर किसी भी सेंटेंस में सकता है, सकती है, सकता हूं या फिर सकते हैं आता है, किसी भी वाक्य के अंत में सकता है, सकती है, सकता हूं या फिर सकते हैं आता है, तो हमको उस सेंटेंस में सकता है, सकती है, सकता हूं, सकते हैं की जगह पर कैन का यूज कर देना होता है। ठीक है, ये कैन किसको दिखाता है? ये कैन दिखाता है किसी सामर्थ्य या फिर शक्ति या फिर क्षमता को। इस काम को मैं कर सकता हूं, यानी कि इस काम को करने की मेरे अंदर क्षमता है या फिर पावर है या फिर स्ट्रेंथ है, मैं इस काम को कर सकता हूँ। जैसे कि मान लो कोई बॉक्स हो, वो बॉक्स कितना 50 किलो का है, तो आप कहेंगे, क्या कहेंगे कि मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ। उठाने की आपके अंदर क्षमता है या फिर पावर है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे, सेंटेंस की बनावट कैसी होती है। तो सबसे पहले सेंटेंस में हमको सब्जेक्ट लगाना है, फिर हमको कैन लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगाना है और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाना है। ये स्ट्रक्चर किसका है? ये स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंस का। अगर सेंटेंस नेगेटिव होता है तो हमको पहले सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है और उसके बाद में कैन यूज करना है, फिर नॉट का यूज करेंगे और आफ्टर दैट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। ये स्ट्रक्चर किसका हुआ? ये स्ट्रक्चर हुआ नेगेटिव सेंटेंस का। अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव मीन्स अगर वो पूछता है आपसे, क्वेश्चन करता है, तो वो सेंटेंसेस क्या कहलाते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं कि क्या आप इस काम को कर सकते हो, क्या तुम इस बॉक्स को उठा सकते हो, तो फिर आप क्या करेंगे, आप पहले कैन का यूज कर देंगे, कैन यूज करेंगे और उसके बाद में फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाएंगे एंड देन क्वेश्चन मार्क। ये स्ट्रक्चर किसका हुआ? ये स्ट्रक्चर हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो तरह के होते हैं, एक होता है हेल्पिंग वर्ब टाइप का और एक होता है डब्ल्यू एस टाइप का। डब्ल्यू एस टाइप वाले में क्या करते हैं, हम क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस शुरू करते हैं और उसके बाद में फिर हम कैन लगा देते हैं और फिर सब्जेक्ट और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और हम लास्ट में लगाते हैं ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो आज हम लोग सिर्फ किसको देखेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंसेस को, जिसमें क्या करना है, जिसमें हमको सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर क्या लगाना है, कैन लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है
एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, अगर ये भी नहीं पता आपको कि सब्जेक्ट क्या होता है, तो सब्जेक्ट हम आपको बता दें कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट ये होता है जो डूअर होता है, जो उस वर्ब को, उस कार्य को, उस क्रिया को जो करने वाला है ना, वो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। ठीक है, सब्जेक्ट वो भी हो सकता है जिसके बारे में कुछ कहा जाए। तो अभी सिंपली ये जान लीजिए कि यहाँ पर जो वर्ब है, यहाँ पे जो वर्ब है, इस वर्ब को, इस एक्शन को जो कर रहा है ना, ये करने वाला जो है वही सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। तो जो काम कर रहा है, जो एक्शन को कर रहा है, जो एक्शन को परफॉर्म करेगा, उस परफॉर्मर को, उस डूअर को ही सब्जेक्ट बोलेंगे। उसके बाद में हमको कैन लगा देना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब बात आती है ना कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट अगर हम किसी सेंटेंस में पूछेंगे कि क्या कर सकता है भाई, तो जो क्या कर सकता है, क्या क्वेश्चन करते ही जो आंसर आपके पास आता है ना, वो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है। या फिर किसे कर सकते हैं, किसे कर सकते हैं, ये भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है ना, तो सब्जेक्ट और अगर ऑब्जेक्ट में समझने में आपके कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, इस पर भी हम एक वीडियो बना देंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो अभी हम देखेंगे सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस। ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो है वो डिक्लेयर करने के काम आते हैं। जैसे कि ये चीज मेरा है, ये चीज तुम्हारा है, मैं पढ़ रहा हूँ, ये क्या करता है, ये अफर्मेटिव है, ये स्वीकार करता है। ठीक है ना, डिक्लेयर करता है कि हाँ ये चीज है। नेगेटिव सेंटेंस क्या करता है, ये भी डिक्लेरेटिव है, ये डिक्लेयर करता है कि ये चीज नहीं है, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है। तो जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है ना, वो अफर्मेटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। अभी तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस की। एग्जाम्पल्स देखेंगे, बहुत ही आसान एग्जाम्पल्स हमने लिया है कि आपको बेहतरीन समझ में आ जाए। पहला एग्जाम्पल्स हमने लिया है, शिवानी गीत गा सकती है, शिवानी गीत गा सकती है, ये हमारा सेंटेंस है। और इसको हमको ट्रांसलेट करना है कि इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे होगा, इसकी इंग्लिश कैसे हम बनाएंगे। तो इंग्लिश, इसकी इंग्लिश बनाने के लिए हमको यही स्ट्रक्चर अप्लाई करना है। ठीक है, क्यों यही वाला अप्लाई करना है, क्योंकि ये सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे है, शिवानी गीत गा सकती है, ये इस बात को क्या कर रहा है, डिक्लेयर कर रहा है। डिक्लेयर किस में कर रहा है, अफर्मेटिव में डिक्लेयर कर रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम करेंगे शिवानी गीत गा सकती है, कौन गीत गा सकता है, आंसर आ गया आपका कि शिवानी। ओके, तो शिवानी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। आफ्टर दैट हम लगा देंगे कैन, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई भाई, क्या हो गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई गीत गाना, है ना। तो गाना की इंग्लिश क्या होती है, सिंग, और गीत की इंग्लिश क्या हो जाएगी, सॉन्ग, क्या गा सकती है, गीत। ओके, नेक्स्ट है, मैं यह सवाल हल कर सकता हूँ, कौन हल कर सकता है, सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा मैं की इंग्लिश क्या हो गई, आई, और उसके बाद में हम लगा देंगे कैन। ओके, जो वर्ब है, एक्शन है, वो कौन सा कार्य है, वो है कार्य हल करने का। तो हल करने की इंग्लिश क्या होती है, सॉल्व, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम लिखेंगे सॉल्व, क्या हल कर सकते हैं इस सवाल को, यह सवाल, यह सवाल की इंग्लिश क्या होगी, दिस सम। ओके, आई कैन सॉल्व दिस सम, तुम मेरी मदद कर सकते हो, कौन मेरी मदद कर सकता है, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ यू। उसके बाद हमको कैन लगा देना है, यू कैन, और आफ्टर दैट वर्ब लगानी है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, वर्ब एक्शन कौन सा हो रहा है, कार्य का है, क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है मदद करने का, तो मदद करने की इंग्लिश क्या होगी, हेल्प। ओके, किसकी मदद कर सकते हैं, मेरी। ओके, मेरी की इंग्लिश मी, यू कैन हेल्प मी। लड़कियां क्रिकेट खेल सकती हैं, कौन खेल सकता है, सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा गर्ल्स, लड़कियां की इंग्लिश गर्ल्स। फिर हम कैन लगा देंगे, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खेलना की इंग्लिश होती है प्ले, आफ्टर दैट क्या खेल सकते हैं, ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हुआ। तो आई कैन प्ले क्रिकेट, सेंटेंस का सब्जेक्ट है गर्ल्स, गर्ल्स के बाद में हम सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया ना, सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाते हैं, कैन, फिर हमने लगाया कैन। ओके,
कैन लगाने के बाद में अब क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि वर्ब कौन सा हुआ, खेलना। खेलना की इंग्लिश क्या होती है, प्ले। प्ले का फर्स्ट फॉर्म प्ले होता है। और फिर क्या खेल सकता है, वो खेल सकते हैं क्रिकेट। तो क्रिकेट की इंग्लिश यहाँ पर हम लिख दिए, हमारा सेंटेंस क्या बन गया, गर्ल्स कैन प्ले क्रिकेट। शिवानी गीत गा सकती है, शिवानी कैन सिंग अ सॉन्ग। मैं यह सवाल हल कर सकता हूँ, आई कैन सॉल्व दिस सम। तुम मेरी मदद कर सकते हो, यू कैन हेल्प मी। लड़कियां क्रिकेट खेल सकती हैं, गर्ल्स कैन प्ले क्रिकेट। इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और सेंटेंस आप पहले हिंदी में बना लीजिए, जिस सेंटेंस में कि वाक्य के अंत में सकता है, सकती है, सकता हूँ आदि आता है। ठीक है, जैसे वह जा सकता है, वो पढ़ सकता है, वो खेल सकता है, वो बैठ सकता है, वो उठ सकता है, वो हंस सकता है, वो रो सकता है, वो जा सकता है, वो आ सकता है, वो दौड़ सकता है, वो कूद सकता है। ऐसे सेंटेंसेस को आप पहले तो राइट कर लीजिए, उसके बाद में ट्रांसलेट कर लीजिए, उसकी इंग्लिश बना लीजिए। और स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया हुआ है, सब्जेक्ट कैन प्लस V1 और फिर ऑब्जेक्ट यूज करके। ऐसे सेंटेंसेस को आप दिन में प्रैक्टिस भी कर लीजिए, ठीक है। वो डेली यूज भी आप कर सकते हैं, जहां भी कैन को यूज करना हो। मैं पानी पी सकता हूँ, मैं वहां जा सकता हूँ, मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, तुम यहाँ बैठ सकते हो, ना यू कैन सिट हियर, यू कैन गो हियर, यू कैन कम हियर। ऐसे सेंटेंसेस को आप यूज करिए और प्रैक्टिस करिए। आई होप कि यो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो एक अच्छा सा कमेंट कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।